हेलो एवरीवन, माय सेल्फ फ्रॉम हार्टमैन। आज हम बात करने वाले प्रश्न वाला 22 के ऊपर, जिसका नाम क्या है फ्रेंड्स, लाभ और हानि, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया था क्लास 4, 5, 6 वाले वीडियो में, उसमें भी मैंने आपको सेम टॉपिक समझाया था और सेम तरीके से समझाया था, और इस बार भी मैं क्या करूँगा उसी हिसाब से मैं समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो देखिए, मैथ बनाने से पहले क्या करना है, कुछ टर्म्स को पहले जान लेना है या फिर कुछ फॉर्मूला को भी जान लेना है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखिए शुरू से समझिए ध्यान से, और ये आपके डेली लाइफ में भी बहुत यूजफुल होने वाला है। इस चैप्टर में क्या है, पहले टॉपिक का नाम कि लाभ और हानि। आखिर ये लाभ होता है क्या और ये हानि होता है क्या है? तो आप तो यही बोलेंगे कि लाभ मतलब क्या, यदि मेरा फायदा हुआ तो मेरा लाभ हो जाएगा वो, और यदि मेरा कुछ किसी चीज़ में अगर मेरा नुकसान होता है या फिर मेरा घाटा होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, मेरा हानि हुआ वो। ये तो समझ में आ रहा है। अब देखिए, इसमें कुछ टर्म आता है। इसमें पहला टर्म हमारा क्या आता है फ्रेंड्स, क्रय मूल्य। क्या आता है इसका पहला टर्म, यानी क्रय मूल्य। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, मतलब क्या कि मतलब वैसा मूल्य जिस पर हम लोग किसी भी सामान को खरीदते हैं। तो जब भी हम लोग को देखिए, मान लीजिए अगर आप सवाल सॉल्व करते हैं और वहां पे आपको मिलता है क्या कि हम इतने दाम पर किसी सामान को खरीद रहे हैं, तो जब भी हम लोग किसी भी दाम पर किसी सामान को जब खरीदते हैं उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। आ समझ में। सेकंड नंबर टाइम आपको क्या याद रखना है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य इसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं इसको, सेलिंग प्राइस। इसको देखिए शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं सीपी, और इसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं एसपी। ठीक है, देखिए क्रय मूल्य यानी जिस मूल्य पर किसी सामान को खरीदा जाता है, विक्रय मूल्य यानी कि जिस दाम पर किसी सामान को बेचा जाता है। अब आप ही बताइए फ्रेंड्स कि अगर हम ज्यादा दाम पर खरीदें और उसको कम में बिक्री करेंगे तो क्या मेरा फायदा होगा या नुकसान होगा? तो जाहिर सी बात है कि मेरा वो नुकसान होने वाला है। और यहीं पर अगर हम कम दाम में खरीदें और उसको हम ज्यादा दाम में बेचते हैं तो मेरा फायदा होने वाला है। तो यहाँ से आपका देखिए हमारा एक फॉर्मूला निकल कर गया था, लाभ का फॉर्मूला। जो आपसे जब पूछा जाए कि लाभ कितना हुआ तो आपको करना क्या है, बस सिंपल सा विक्रय मूल्य से क्या करना पड़ेगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करना पड़ेगा। विक्रय मूल्य से आपको क्रय मूल्य को माइनस कर देना पड़ेगा, क्योंकि जितना मैं आप बेच रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अब अगर ज्यादा में बेचेंगे तो ही ना मुनाफा कमाएंगे, और वहीं पे देखिए हानि क्या हो जाएगा हमारा, जस्ट इसका अपोजिट, यानी कि क्रय मूल्य से घटाना पड़ेगा आपको विक्रय मूल्य को। ऐसा क्यों? तो देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल भी समझाता हूँ, फिर मैं आप चलूंगा मैथ की तरफ। वीडियो भले लंबा बने मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे बस एक चीज से मतलब है वो यही कि मुझे आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, तरीका समझाना है कि आखिर बनता कैसे और कौन सा चीज कैसे आता है। अगर आप वो समझ गए तो फिर तो आप बहुत सारे मत खुद ही बना लोगे। तो मुझे आपको, मेरा मकसद है आपको कॉन्सेप्ट समझाना। ये तो समझ में आपको आ गया। अब यहाँ देखिए ध्यान से, मान के चलिए कि हम किसी सामान को खरीदते हैं 50 रुपये में, ठीक है, और उसको हम बेचते कितने में है, मान लीजिए बेचते हैं 40 रुपये में। अब आप बताइए क्या मेरा फायदा होगा या नुकसान होगा? तो साफ दिखाई दे रहा है कि खरीद रहे 50 रुपये में, अब बेचते 40 रुपये में, तो मेरा नुकसान होने वाला है। देखिए घटा, हानि हो रहा है मेरा। तो हानि में क्या करते हैं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, है ना, यानी कि 50 माइनस 40 कितना होगा, 10 रुपये। तो मेरा कितना रुपये का हानि हो जाएगा, 10 रुपये का मेरा हानि हो जाएगा। ऐसा थोड़ा सा पलटी कर देते हैं तो क्या हो जाता है ये कि हम खरीदे 50 रुपये में और उसको बेच रहे हैं 60 रुपये में। तो आप सिंपल सा बोल रहे हैं कि भाई यार मेरा तो 10 रुपये का फायदा हो रहा है, वो कैसे निकल रहा है, देखिए ध्यान से। तो लाभ का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहाँ पे पुट कर देते हैं, विक्रय मूल्य का मान हो गया 60 रुपये और क्रय मूल्य का मान हो गया 50 रुपये, बस घटा देते, हमारा ये आंसर आराम से निकल गया। ठीक है, इतना समझ में आ चुका है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर हमको बोलेगा लाभ निकालने के लिए तो ठीक है, ऐसे घटा देना। अगर हमको बोलेगा हानि निकालना तो भी ऐसे घटा देना, ठीक है, समझ में आ रहा। लेकिन अगर हमको बोले प्रतिशत में बताइए तो क्या करेंगे? तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हमको लाभ हो या हानि हो, कुछ भी हो, हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। किस पे होता है, क्रय मूल्य पे, यानी जिस पे हमने किसी सामान को जब खरीदते हैं उस दाम पे ही हमको ना हानि होता है या नुकसान होता है, लाभ होता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से देखिए हमारा एक और फॉर्मूला निकल करके आता है, प्रतिशत लाभ का। यानी कि अगर आपको बोला जाए प्रतिशत लाभ निकालो तो आपको करना क्या पड़ेगा, सिंपल सा, आपका जो भी लाभ निकल करके आया है उस लाभ को आपको लिखना कहाँ पर, ऊपर में, ठीक है। और मैंने अभी आपको समझाया
कि लाभ हो या हानि हो किस पे होता है, वो हमेशा होता है आपका क्रय मूल्य पे। किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। तो आपको नीचे में क्या लिखना पड़ेगा? क्रय मूल्य। और प्रतिशत देखिए निकालने बोला है, तो मैंने आपको समझाया था प्रतिशत वाले चैप्टर में कि जब प्रतिशत निकालने बोले तो हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं, बस हो गया इसका आंसर। ये देखिए हमारा एक फॉर्मूला बन के निकल के आ रहा, ये सभी हमारा फॉर्मूला है, आप लिखते जाइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ देखिए, अब मान लीजिए हमको बोला कि हानि प्रतिशत बताएं, यानी प्रतिशत हानि कितना हो जाएगा। सेम यहाँ भी लगाना है, अभी जो मैंने आपको समझाया कि हमको फायदा हो या नुकसान हो वो सभी किस पे होता है, वो सभी किस पे होता है, तो हमारा क्रय मूल्य पे होता है। तो हानि बटा क्या हो जाएगा नीचे में, क्रय मूल्य, और गुना क्या करेंगे, 100 कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमको बोला गया प्रतिशत हानि निकालने के लिए। अगर सिर्फ बोलता हानि निकालो तो देखिए ये वाला फॉर्मूला है कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को माइनस कर देते हैं। सिर्फ अगर हमको बोलता लाभ निकालने के लिए तो ये वाला फॉर्मूला है, आराम से घटा देते हैं आंसर निकल जाता। लेकिन हमको बोलेगा प्रतिशत निकालने के लिए तो ऐसे लगाएंगे। दो फॉर्मूला और है फ्रेंड्स, आप थोड़ा उसे भी सीख जाइए क्योंकि काम आने वाला है, ठीक है। और मैं आपको जब आगे बताने जा रहा हूँ, और फिर जब मैं आपको बताऊंगा आप इसके अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन की तरफ, तो आपको वहाँ पे वो फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, तभी आपसे मैथ बन पाएगा। और जो मैं आपको समझाऊंगा जिस तरीके से मैं बोलूँगा आपको वो समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में आपको नहीं आएगा। तो देखिए इसका बाकी का जो दो फॉर्मूला बचा हुआ है वो भी मैं आपको करवा देता हूँ, आप इसका फटाफट नोट्स बनाइए। देखिए हमारा अगला फॉर्मूला पे आते हैं, और देखिए बोर्ड छोटा होने पे क्या नुकसान होता है ना, मैं सोचता हूँ थोड़ा सा एक डिजिटल बोर्ड खरीद लूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब के पैसा से ही यूट्यूब पे खर्च करूँ। लेकिन अब देखिए अगर आप लोग का प्यार होगा तो ही आराम से हो सकता है, इंक्रीज होगा। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन आ सकता है कि हमको क्रय मूल्य पे नुकसान हो रहा है या क्रय मूल्य पे हानि हो रहा है। देखिए फॉर्मूला नंबर वन, अगर हमको क्रय मूल्य पर, मतलब सवाल में आपका दिया रहेगा कि इतना रुपये में हम कोई सामान खरीद कर, बस खाली अभी आप फॉर्मूला जान कर रखिए, ठीक है, कि हम इतना दाम पे किसी सामान को खरीद करके आए हैं, हमको इतने परसेंट का फायदा हो रहा है, तो उसको हम कितने में बेचेंगे, हमको इतना परसेंट का फायदा होगा, ठीक है। तो इसका देखिए विक्रय मूल्य क्या होता है फॉर्मूला, अगर हमको क्रय मूल्य पे लाभ हो रहा है ना, तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका, 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटा में क्या हो जाएगा 100, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, क्रय मूल्य लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य, ठीक है। अब देखिए सेम यहीं पर क्या है दूसरा फॉर्मूला, अगर हमको हानि हो जाए, ठीक है, अगर हानि हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे विक्रय मूल्य का फॉर्मूला में, बस जहाँ पे हम लोग को लाभ किया है वहाँ पे क्या करना, हानि कर देना है, यानी कि 100 माइनस प्रतिशत हानि कर देना है, बटा में क्या हो जाएगा ये 100 हो जाएगा, और यहाँ पे ऊपर में क्या हो जाएगा ये क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है। अब देखिए अब इसी को थोड़ा घुमा देते हैं, अब घुमा के क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग को क्या बोलेगा निकालने के लिए, क्रय मूल्य, ठीक है, थोड़ा इसी को घुमा देते हैं। तो हमको क्या बोला गया है विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर लाभ, विक्रय मूल्य पर लाभ होगा, बोले क्रय मूल्य निकालो तो क्या करना है, सिंपल सा वो चीज पलट जाएगा आपका, यानी कि क्या हो जाएगा क्रय मूल्य वाले केस में, 100 बटा लाभ हरण का 100 बटा 100 प्लस प्रतिशत लाभ गुना में क्या हो जाएगा ये विक्रय मूल्य हो जाएगा, बस इतना खाली आपको याद रखना। विक्रय मूल्य वाले केस में ऊपर में ये काम होता है, और क्रय मूल्य वाले केस में ये काम नीचे होता है। आप देखिए हानि हो रहा है तो हानि वाले केस में क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य का फॉर्मूला सेम चीज, अच्छा यहाँ तो वही रहेगा कि 100 गुना विक्रय मूल्य है तो 100 गुना ये हो गया विक्रय मूल्य, और बटा में क्या हो जाएगा ये 100 माइनस प्रतिशत हानि, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा इतना सारा फॉर्मूला। अब बढ़ते हैं प्रश्नमाला के जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने की तरफ। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहले नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि क्रय मूल्य, ठीक है, शॉर्ट में मैं लिखता हूँ, क्रय मूल्य कितना है, 600 रुपये। क्रय मूल्य यानी क्या होता है कि जिस मूल्य पर हम लोग किसी सामान को खरीदते हैं, ठीक है। और क्या देखिए बोला गया, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब क्या होगा कि जिस दाम पे हम लोग किसी सामान को बेचते हैं। तो क्या पूछा गया आपसे, प्रतिशत लाभ बताइए, साफ दिखाई दे रहा है हमको लाभ हो रहा है, खरीदे 600 रुपये में, खरीदे 600 रुपये में
अब बेचते हैं 900 रुपये में, तुमको क्या होगा? लाभ ही होगा ना, नुकसान तो होगा नहीं। तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये ना होता है 900 माइनस 600, तो कितने का हमको लाभ होगा फ्रेंड्स? 300 रुपये का लाभ होगा। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि प्रतिशत लाभ कितना होगा, प्रतिशत में कितना लाभ हो जाएगा? तो प्रतिशत लाभ हमारा कितना हो जाएगा, ये बराबर में कितना हो जाएगा? तो क्या बताया था फॉर्मूला मैंने, क्रय मूल्य पे होता है सब कुछ, लाभ बोला गया तो ऊपर में क्या लिखेंगे, पहले लाभ लिखते हैं, लाभ और बटा में क्या होता है क्रय मूल्य, कुछ भी हमको होगा लाभ हो या हानि होगा वो सभी हमारा क्रय मूल्य पे होगा। नीचे में क्रय मूल्य लिख देना, यानी कि 600 रुपये। अब प्रतिशत निकालने के लिए गुना में 100 कर देते हैं, तो काटे 300 दूनी 600, 2 से कटाइए 50 बार, यानी कितना परसेंट का हमको लाभ हो रहा है, पूरा पूरी 50% का हमको ये लाभ हो रहा है। आए बस समझे फ्रेंड्स। अब देखिए बढ़ते इसके अगले टाइप में क्या है, एक और लेके चलते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में हम लोग लेके चलते हैं क्या, यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं क्रय मूल्य को, एक सेकंड रुकेगा, यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं क्रय मूल्य को, क्वेश्चन नंबर 14 है ठीक है। इसमें क्रय मूल्य लेके चलो 985 रुपये, यानी हम लोग सामान को कितने रुपये में खरीद रहे हैं, 985 रुपये में हम लोग सामान को खरीद देते हैं। अब बेचते कितने में है, तो 1379 रुपये में इसको बेचते हैं। तो जाहिर से बात है, देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है कि खरीद रहे हैं 900 समथिंग में और बेच रहे हम लोग 1300 समथिंग में, तो फायदा ही हो रहा है, नुकसान तो हो नहीं रहा है। तो कितने रुपए का फायदा हो रहा है पहले वो निकाल लेते हैं। तो क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो इससे घटा देना है इसको 985 को। देखिए घटाने पर कितना आता है, ये तो 9 में से 5 गया बचा हमारा 4, 7 में 8 गया तो बचा हमारा कितना 17 में 8 गया तो 9 बचा, और 12 में 9 गया तो कितना हो गया 394 रुपये हमारा क्या हुआ, इतने का हमको फायदा हुआ है। लेकिन 394 का जो फायदा हुआ है तो कितना प्रतिशत में फायदा हुआ आपको वो पूछा गया कि प्रतिशत लाभ बतावे। चलिए बताते हैं प्रतिशत लाभ। तो क्या होता है फॉर्मूला प्रतिशत लाभ का, लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ हमारा कितना है 394 रुपये, बटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 985 रुपये, और गुना में क्या करना 100 से गुना कर देना। एक बार और चेक कर लेते हैं, 5 4 9 9 8 17 9 3 12 1 13 हो गया, ठीक ठाक है। इसको सॉल्व करते हैं, क्या किसी 12 से कटने वाला है, चेक करके देखते हैं। देखिए 5 से काटते हैं इसको, तो 5 एकम 5 हो गया, और 19 25 95 होता ही है, तो 19 25 95 हो गया, बचा 3 तो हो गया 7 बार में ये कटा। अब 5 से कटेगा 20 बार में ही हो गया 100। अब देखिए 197 को अगर आप 2 से गुना करेंगे तो आपका आता है क्या 394 आता है, यानी कि 2 बार में एक भी कट जाएगा, तो 20 दूनी कितना 40 हो गया, यानी कि हमको कितने का फायदा हो रहा है, हमको 40% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस मैथ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कल बताऊंगा कि प्रश्न वाला 23 जिसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं, हानि के ऊपर सीखने वाले हैं। बारी बारी से सीखिए, आराम से सीखिए और उसे घर में प्रैक्टिस कीजिए। मेरा मकसद क्या है कि आपको सिर्फ तरीका बताना है कि किस प्रकार से मैथ बनेगा, बाकी प्रैक्टिस करना आपका काम है, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे।